पठान जो इंग्लिश टीम को हमेशा आगे लेके जाते हुए जाता है। हर फिर से मॉरिस की बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हुए। मैं बता दूं कि पीटू पठान इंग्लिश टीम को हमेशा से युवाओं को लेके चलता है, और जिस कारण बस आज उनके पास नोएल अनिकुल अमीन जैसे बहुत ही अच्छी क्रिकेटर हैं उनके पास। फिर से एक अच्छी गेंद अमित द्वारा, पर जिया बैटर बोल में किसी प्रकार संभव, और ये नो बॉल हमारे अंपायर मिंटू सिंह के द्वारा, ये नो बॉल। क्रिस मॉरिस भैया थोड़ा सा ओवर स्टेप पिछले मैच में ही कर रहे थे, शायद उनकी ओवर स्टेप में कंट्रोल ना हो, नहीं हो पा रहा है। और ये फ्री हिट बल्लेबाज के पास एक बहुत बड़ा मौका, वो अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। बड़ा रोमांचक मैच होने वाली है अभी, और फिर से एक अच्छी गेंद, मॉरिस काफी अच्छी लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए, ऑफ स्टंप को लाइन को पकड़ के गेंद को रख रहा है, और उन्हें पता है कि बल्लेबाज को किस जगह पे करने से बल्लेबाज को शांत रखा जा सकता है। और ये मैच अंतिम ओवरों तक चलेगी, ये हमारे अनुमान है। फिर से एक अच्छी गेंद, जोर का लेंथ गेंद, देखा कि बल्लेबाज अब दूसरी शॉट के लिए तैयार है, तो गेंदबाज ने यॉर्कर गेंद मारा, पर बैट तो संपर्क तो ना हुआ, पर पैर से जाके गेंद लगी, जिस कारण उसके गिल्लियां उखड़ने से बच गई। अगर LBW का मान्य होता तो शायद उन्हें पवेलियन जाना पड़ता। कि मैंने फिर से बता दूं कि मिस्टर जिया काफी अच्छे क्रिकेटर हैं और काफी अनुभव लेके अपने साथ जाते हैं, जहां भी जाते हैं वो काफी अच्छे इंसान भी है। गेंदबाज मॉरिस अतिकुल बैट और बॉल को बहुत जोर से घुमाया, पर बैट और बॉल में किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं, गेंद खड़े आमिर के पास गया। हरियाणा रहे जेटा बॉलिंग पर से फिर से तैयार मॉरिस, बहुत ही अच्छी गेंद, हरियाणा हम लाए हैं उसको। पावर प्ले में जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रही है मॉरिस और सरफराज गंज टीम, खासकर कप्तान काफी खुश होगी क्योंकि